वेरी गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन. सो इन ईवियस इन लेसन द लेसन वाज आवर फ्रेंड्स एनिमल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स. सो फॉर नेक्स्ट पार्ट गो टू पेज नंबर 128. पेज नंबर 128 एंड देयर यू विल सी भोली. भोली कौन है भाई? भोली इज मीनूस काऊ. ये काऊ दिख रही है आपको, है ना? ये कौन है? ये मीनू की काऊ है. क्या नाम है काऊ का? भोली, है ना? और काऊ क्या होते हैं वो देखो, कितनी भोली होती है ना गाय. तो मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, है ना? मीनू जो है वो डेली जो अपने भोली को डेली जो है ग्रेज के लिए ले जाती थी, ठीक है, चराने के लिए. वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग. यू कैन सी ये जो आप देखा ना रेड रेड, ये क्या है? ये ब्लड हो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसको स्कूटर ने टक्कर मार दिया है, ठीक है. तो इसको चोट लग गई है और ये पैर से देखो ब्लड आ रहा है. द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, ठीक है. अब चोट लगी है, देखो जोर से ये ब्लड देखो निकल रहा है ना इसके पैर से. बेचारी कितनी परेशान होगी ये. अब आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल पीपल इन मीनूस फैमिली डू. आपको बताना है कि मीनू की फैमिली में जो है ना फैमिली के मेंबर, अब वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? आपको पता है कि वी कीप एनिमल्स एज पेट्स एंड लुक आफ्टर देम ना. तो अब इसको हम इसको इसका क्या करेंगे, वो इलाज करेंगे इसका. आंसर क्या ले सकते हो आप? आंसर विल बी मीनूस फैमिली वुड वॉश भोलीज वाउंड विद वाटर एंड पुट मेडिसिन. मेडिसिन जानते हो ना आप, मेडिसिन ऑन द वाउंड. जो चोट लगी है, जो घाव बना हुआ है ना, वहाँ पे वो मेडिसिन लगाएंगे या फिर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे. मतलब आप उसके अच्छे केयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताएं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग इन द एनवायरमेंट, ठीक है. जो भी आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम ह्यूमन हैं, सब क्या है, सब इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. सबको एक दूसरे का केयर करना चाहिए. इसलिए जो मीनू की फैमिली है ना, वो अच्छे से भोली की केयर करेगी, उसके जो चोट लगी है ना उसको वो सही करेंगे मेडिसिन से, ठीक है. कितना अच्छा चीज़ है ये. नाउ जस्ट बिलो दैट यू विल सी चंदू धोबी. धोबी है ना, आपको पता है धोबी क्या होता है ना? धोबी कपड़े धुलते हैं, है ना, उसको प्रेस करते हैं, ठीक. लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल. डंकी आपने देखा है, ये आपको पिक्चर में दिखेगा अभी, ठीक है. तो धोबी जो है ना, चंदू धोबी, वो अपने डंकी का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखता था. द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, ठीक है. वो टंकी भी क्या है, जो आप अगर दूसरे को प्यार करेंगे, दूसरे को आप केयर करेंगे, दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपका केयर करते हैं, है ना. ये तो होता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, ठीक है. तो लेट्स सी, ये आपको पिक्चर में देखना है. पिक्चर देख के मालूम हो जाएगा आपका कि जो चंदू है ना वो क्या कर रहा है, ठीक है. तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. यस, नंबर वन यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी ये जो डंकी है ना, देखो इसको ये वाटर इसके ऊपर डाल रहा है, मतलब ये इसको ये क्या कर रहा है, इसको साफ साफ कर रहे हैं, नहला रहे हैं, ठीक है. यू कैन राइट हियर ही बेथ्स हिज डंकी. ही बेथ्स हिज डंकी, यहाँ पे बी ए टी एच ई एस है, सब साथ में है, बेथ्स हिज डंकी, है ना. इन सेकेंड यू कैन सी ये जो डंकी है ना, इसको हरी हरी घास से खिला रहा है, ठीक है. यू कैन राइट फीड्स हिम ग्रास टू ईट, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी, अब इसको वाटर भी दे रहे हैं ना ये पीने के लिए. इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, है ना. कितना अच्छा चीज़ है, अभी इसका केयर कर रहा है ना, तो डंकी भी क्या होगा, इसकी पूरी हेल्प करेगा, है ना. दोनों एक दूसरे को समझते होंगे अच्छे से, ये होता है अच्छे से केयर करना, ठीक है. एंड नाउ लास्ट यू कैन सी, कितना मजेदार बात है ना, पुट्स अ गारलैंड ऑन हिम, इसके ऊपर ये फूलों की माला भी लगा रहा है, सजा रहा है, ठीक है. ये पूरा एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है. तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे जब भी वक्त आएगा. तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है, केयर एंड हेल्प. एंड यू कैन सी ये आपका कैपिटल पी बना लेना, ठीक है. यहाँ पे स्मॉल पी था, यू कैन मेक इट कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल पी कर लेना इसको आप. नाउ जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज नंबर 129. नाउ हियर यू विल सी हम सबके पास तो पेट नहीं होते हैं, कुछ लोग पेट रखते हैं, तो पेट होते हैं तो उनके नाम भी होते हैं ना पेट के. आपने भी अपने पेट का कुछ नाम रखा होगा. एंड देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, है ना. अब पेट के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, जो भी एनिमल है आपके घर में पेट, तो अगर वो हैंग्री है तो क्या करते हो आप, या फिर उसको अगर फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसको ज़्यादा गर्म या ठंड लग रहा है तो क्या करते हो आप. टीच्ड बाय समवन, अगर आपका पेट कोई परेशान करता है, छेड़ता है, तो क्या करते हो आप. अगर आपके पेट को चोट लग जाती है तो क्या करते हो आप. सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन. सॉरी, फर्स्ट फॉर हंग्री यू कैन ऐसे एरो बना लेना आप, ठीक है. फॉर हंग्री यू कैन सी
यू कैन राइट आई हैव आई गेव हिम हर ग्रेन्स टू ईट. ठीक है. नंबर टू वाटर अगेन वो भी हो सकता है. फीलिंग हॉट और कोल्ड यू कैन राइट आई टेक हिम हिम या हर हिम मतलब मेल के लिए हर फीमेल के लिए तो हिम हर इन साइड माई रूम. ठीक है. घर के अंदर या रूम के अंदर जो भी आपकी जगह होगा वहाँ रखते हो गए आप. टीच्ड बाई समवन देन यू कैन राइट आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो. है ना. एंड लास्ट फॉर हार्ट यू कैन राइट आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वाउंडेड एरिया. ऐसे आप इसको केयर कर सकते हो आप. ठीक है. एंड लास्ट वन इज देयर लास्ट क्वेश्चन. चलो इसको अच्छे से करेंगे. ठीक है. ध्यान से देखना. वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम वी लुक आफ्टर देम टू. ठीक है. क्योंकि आपको पता है ये पेट एनिमल और हमारे कितने इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से. इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स कंप्लीट द टेबल. अब टेबल में कुछ मिसिंग है, कुछ ऑलरेडी फील है, कुछ मिसिंग है. तो इसमें दो पार्ट क्या क्या पार्ट है. नेम ऑफ द एनिमल. इस तरफ तो आपको बस एनिमल के नाम दिखेंगे. एंड ये जो राइट साइड है यहाँ पे दिखेगा व्हाई डू वी कीप देम. आपको यहाँ पे छोटा सा रीजन बताना है व्हाई डू वी कीप देम. ठीक है. उसको हम क्यों रखते हैं. है ना. तो फॉर अब इसको पहले आंसर फील कर लेते हैं सारा. ठीक है. फिर इसको समझेंगे अच्छे से. आपको आंसर बुला लिया हमने. ये हमारा आंसर हाजिर हो गया. फर्स्ट फॉर डॉग. डॉग के लिए क्या हम डॉग क्यों रखते हैं. डॉग मतलब मेन रीजन क्या होता है. डॉग हम तो मतलब एक तरह से बहुत प्यार भी करते हैं डॉग से. लेकिन यू कैन सी मेन रीजन इज टू कीप डॉग इज दैट इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी. है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिटी के लिए भी ये हम रखते हैं. ये आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे. सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है इट गिव्स मिल्क इट पुल्स द कार्ट. तो कौन मिल्क देता है. मिल्क के लिए तुम्हारे पास काउ बफेलो है ना बहुत से हो सकते हैं. आप यहाँ पे काउ लिख देना. एंड नेक्स्ट इट पुल्स द कार्ट. आंसर क्या हो जाएगा. हॉर्स. हॉर्स या फिर बुल जो भी होगा आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज ऑक्स. ऑक्स से क्या होता है. व्हाई डू वी कीप देम. ऑक्स यू कैन ऐड द आंसर. ऑक्स हेल्प्स इन प्लॉइंग द फील्ड. है ना. ठीक है. ये आपको पता है खेत में जोतने के लिए खेत की जुताई करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्स को. हैन. हैन क्यों यूज करते हैं. बिकॉज दे ले लेस एग्स. ठीक है. ये ले चिप्स वाला नहीं है. ले लेस एग्स. नेक्स्ट फिश. फिश का तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. आपको पता है. आपको पता होगा शायद फिश का तो है ना. इट इज़ बिलीव्ड टू बी ब्रिंग फॉर्चून लक या फिर प्रॉस्पेरिटी. इन चीज़ों के लिए हम फिश को देखिए. एक्वेरियम देखा होगा आपने. ये मछली का होता है. कांच के अंदर रखे होते हैं. प्यारी प्यारी मछलियाँ होती हैं. गोल्ड फिश लाइक अदर फिश जहाँ पे रखती हैं. और वाटर के अंदर यहाँ पे उसको हम इसमें ऑक्सीजन भी देते हैं. ठीक है. उनको प्रॉब्लम ना हो उनके लिए फूड भी देते हैं इसके अंदर. और कितना अच्छा लगता है ये. ठीक है. सो इसका रीज़न क्या है. इट इज़ बिलीव्ड टू ब्रिंग फॉर्चून. ओके. आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. और भी अपने पेरेंट्स से पूछना है ना फिश के बारे में. हम घर के अंदर फिश को क्यों रखते हैं एक्वेरियम में. कैट और रैबिट यू नो दे आर वेरी लवली. कैट तो बहुत ही प्यारे लगते हैं. रैबिट भी बहुत ही प्यारे लगते हैं. यू कैन राइट वी कीप देम बिकॉज वी लव इट. नेक्स्ट हनी बी. हनी बी आपको पता है. हनी बी से क्या मिलता है हमको. दे प्रोवाइड हनी. यू कैन राइट वाई डू वी कीप देम बिकॉज दे प्रोवाइड दे गिव्स हनी. ओके. सो दिस वॉज फॉर टूडे. इन ईवीएस अब अच्छे से इसको समझ लेना. सारे क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन है उसको अच्छे से नोट कर लेना और लर्न भी करते जाना है आपको. ठीक है. थैंक यू. टेक केयर.